विधायक जी आप तीसरी बार यहाँ पे एमएलए बन चुके, 10 साल आपने काम किया, उसके लिए जनता ने वोट किया, आपको ये बताना है कि इस दौरान 3 साल आपने क्या काम किया। गुमराह यदि मीडिया ही करने लग गई तो फिर तो यहाँ पे हमारी जनता का कोई मतलब रुखाला ही नहीं रहेगा। अभी 2 दिवस पहले मीडिया बंधुओं के माध्यम से पता चला कि नवलगढ़ क्षेत्र में विधायक महोदय द्वारा 44 करोड़ के कार्य पेयजल हेतु स्वीकृत किए गए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि कांग्रेस मात्र योजनाओं का नाम बदलना जानती है, योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य आज तक कांग्रेस ने नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने 15 अगस्त 2019 को हर घर में जल की व्यवस्था हो नल के माध्यम से, इसके लिए जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया और आज उसी जल जीवन मिशन के नाते नवलगढ़ क्षेत्र में भी ये स्वीकृतियां हुई है। और कांग्रेस ढिंडोरा पीट रही है कि सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से वह इस कार्य को संपूर्ण कर रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान चले थे, उसमें काफी प्रकार के वादे किए गए कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, उन वादों के माध्यम में इसको भी ये बुना रहे कि 44 करोड़ रुपए हमने नवगढ़ पंचायत समिति के लिए पास करवा दिए। ये 44 करोड़ जो पास करवाए ये सिर्फ जल जीवन मिशन योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजना के पैसे हैं, न कि इसमें कोई राजस्थान सरकार का विशेष रोल है। कई जनप्रतिनिधि इसको बुनाने के लिए अपनी फोटो लगा करके और बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में नाम छाप देते हैं और इसका खूब प्रचार किया जाता है। जो जल जीवन मिशन योजना है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की है और इसमें कुछ हिस्सा अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बांटा गया है। बहुत सारे राज्य उसमें तो मात्र 10% हिस्सा है, किसी का 20 है, राजस्थान में इसका 40-60 का रेशियो है। 40-60 के रेशियो के अनुसार इसको अगर पूर्णतः आप सरकार कांग्रेस की सरकार का कहें तो यह सरासर गलत है। मीडिया कर्मियों से मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो झूठी जो खबर छापी गई है उसका खंडन करें। मीडिया जो बंधु हैं वो जो खबर छापते हो वो किसी आधार पर आधारित होती हैं, किसी के मुख से निकली बात को छाप देना और वो भी एक ऐसी योजनाएं या ऐसी बातें जो प्रत्येक जनता को प्रभावित करती हो। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा यदि इस प्रकार की आपको खबर छापने की जहां जरूरत पड़ती है तो ऑथेंटिक लेटर लीजिए आप लोग और उस लेटर के आधार पर आप उस न्यूज को प्रसिद्ध कीजिए जनता के बीच में। राज्य सरकार काम करती है, राज्य सरकार के गुणगान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं जनता का भला हो। हमें न मतलब उससे राज्य सरकार से है न हो रहे, हमारा ध्येय है इसकी जो योजना जिस प्रकार की योजना आई है उस योजना को जनता के बीच में उसी प्रकार से आप लोगों का रखने का कर्तव्य है। गुमराह करने का कर्तव्य आप लोगों का नहीं है, क्योंकि गुमराह यदि मीडिया ही करने लग गई तो फिर तो यहाँ पे हमारी जनता का कोई मतलब रुखाला नहीं रहेगा। इन योजनाओं के बारे में मीडिया तक बीजेपी या कांग्रेस को पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रशासनिक स्तर पे काम होते हैं, प्रशासनिक स्तर पे जाकर के ऊपर पे सारे काम होते हैं, वहीं से ये सारी चीजें रिलीज होती हैं। तो इसमें राजनीतिक न करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जो ये आज हमारी मीटिंग करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये है कि जनता के अंदर जो आपने मैसेज दिया है कि जो ये 44 करोड़ रुपए पेयजल के जो मंजूर किए गए हैं वो हमारे माननीय विधायक की अनुशंसा से किया गया है, हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है वो ये है। ये उद्देश्य नहीं है कि हमें जेजेएम योजना, जल जीवन मिशन योजना का यहाँ प्रचार करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस योजना को किस व्यक्ति ने लागू किया, किस आधार पर वो चल रही है और कौन उसका क्रेडिट ले रहा है, उसके विपक्ष में हमने ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक जी ने अपने, चलो उनकी गांव के प्रशासन जो गांव के संग गया था उसमें उन्होंने जो शब्द कहे वो उनके शब्द, उनको बोलने का अधिकार है, हम उनके ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन बात यह है कि जिन मुद्दों पे उन्होंने बात कही, 44 करोड़ रुपए नवलगढ़ को किसकी विधायक की अनुशंसा पर नवलगढ़ को मिले, ये बात हम दरकिनार करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पूर्ण रूप से अधिकृत हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यूज देने पर कि आपको जो अनुशंसा पत्र तो दिया होगा, कुछ ना कुछ तो जो व्यक्ति आपको न्यूज दे रहा है कोई भी अधिकारी हो, उनका कोई
पीए बैठा है, कुछ भी दिया है, तो शायद जितने भी मीडिया कर्मी है, पत्रकार बंधु है, उनको उन्होंने कुछ तो लेटर पैड दिया है ना, प्रशासनिक स्वीकृति आपको प्रदान की होगी कि विधायक जी के द्वारा ये प्रशासनिक स्वीकृति राजस्थान सरकार से लाके दी गई है। आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जो ये योजना है ये 2019 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस योजना में प्रत्येक स्टेट में, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर ये कार्य बड़ी सुचारू रूप से, और इसमें जो बजट रखा गया है वो हर राज्य का अलग अलग है। हमारे राज्य का जो बजट है वो है 50-50% है, 50% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार का है। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक जहां मुद्दों पे बात हो रही है मुद्दों पे बात करूंगा, उसमें कोई बरगलाने वाली बात नहीं है। उसके अंदर 50% केंद्र सरकार इनको पहले फेस में इनको भेज चुकी थी, और उन्होंने जब भेजा, भेजने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस काम को रोक लिया, और काम को इसलिए रोका गया क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की थी, मोदी सरकार की थी। इसमें जनता के लिए जो योजना आती है वो जनता की होती है, और योजना में कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि हो, योजनाओं में उनका कोई रोल नहीं होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का इसमें रोल नहीं है कि मैं मेरे गांव में जाकर ये कह सकूं कि ये स्वीकृति मैंने दिलाई है। कोई भी मेरे से ऊपर का कोई जनप्रतिनिधि वो भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि योजनाएं सरकार की होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की है। इस योजना में आपने क्या काम किया, नवलगढ़ की राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि जितने भी गाँव के प्रशासन, गाँव के संघ कैंप लगे, उसमें विधायक जी ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने क्या फॉर्मूला तैयार किया, उन्होंने 1 जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2021 तक ये लिस्ट बनवाई, प्रत्येक डिपार्टमेंट से लिस्ट बनवाई अपने अधिकारियों से कहकर कि 1 जनवरी 2009 से लेकर जब तक कैंप लग रहा है तब तक उन्होंने क्या क्या काम किए। विधायक जी आप तीसरी बार यहाँ पे एमएलए बन चुके, 10 साल आपने काम किया, उसके लिए जनता ने वोट किया, इस साल 3 साल आपके कैंप लगे, 3 साल बीत चुके हैं, आपको ये बताना है कि इस दौरान 3 साल आपने क्या काम किया। विधायक जी के पास में ऐसा कोई ऑथेंटिक काम नहीं था, कुछ कामों को छोड़कर, कि जो कैंप में जाकर बोल सकी। तो उन्होंने क्या किया, ये मैं लिस्ट आपको मीडिया को दिखाऊंगा, ये उन्हीं की लिस्ट है जो वो कैंपों में जाकर बोलते हैं, प्रत्येक अधिकारियों से निकलवाते हैं, चाहे वो पीएसडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, पंचायत समिति का हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर का हो। वो उन्होंने क्या किया, अपने 13 साल के कार्यकाल का पूरा कच्चा चिट्ठा एक पेज पे ले लिया, उसी के अंदर ये जल जीवन मिशन में जो पेयजल योजनाएं थी उनको उन्होंने केंद्रित कर दिया, और अपने भाषणों में उन्होंने क्या कहा कि मैं ये काम स्वीकृत करवा के लेके आऊंगा। अब मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अब तक जितने गाँव में ये योजनाएं लागू हो चुकी हैं, उसके विपरीत में जितने गांव बचे हैं, तो विधायक जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अनुशंसा मत कीजिए इस बार, देखते हैं कि वो काम नहीं होते हैं क्या। अगर आप अनुशंसा मत कीजिए इस बार, और आगे वाले गांव में क्या ये जल जीवन मिशन योजना प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घानी में नहीं पहुंचती है क्या। बात यह है, बात योजना की नहीं है यहाँ पे, बात यह है कि कौन काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और जनता के पास में, आप मीडिया कर्मी हो, हमारा जो भी हथियार है वो आपके पास में, हम अच्छा करते हैं, हम बुरा करते हैं, आपको दायित्व है उसको लिखने का, उसको बोलने का, उसको दिखाने का। लेकिन दुर्भाग्य नवलगढ़ का ये हो गया है कि एक निश्चित चेहरे को दिखाने का काम किया जा रहा है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जनता की जब बात आती है, जनता के मुद्दों पर जब बात आती है, तो हमें बोलने का अधिकार है, क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है, और हम अगर हमारा कर्तव्य अच्छे तरीके से जनता के बीच में नहीं दिखाएंगे तो हमें एक जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है। तो आपसे मेरा यही है अनुरोध है कि आप विधायक जी से ये सवाल कीजिए कि आप इस बारे में अनुशंसा मत कीजिए, क्या गांव में जेजेएम योजना लागू नहीं होगी। मैं कहता हूं होगी, क्योंकि ये प्रत्येक केवल नवलगढ़ तहसील में नहीं, झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में 2024 तक इस योजना को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने निर्देशित कर रखा है प्रत्येक राज्य सरकार को, और फंड भी फिक्स कर रखा है। उसकी भी अगर आपको सूचना चाहिए तो आप हमारी बात मत मानिए, आप गूगल पे जाइए, चेक की कंटिन्यूस आप भी न्यूज पेपरों में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को चला रखा है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। जब ये लॉन्च हुआ तब भी लगातार इन्हीं पत्रिका में, इन्हीं न्यूज पेपरों में बातें आ रही, आज ये अचानक छपी, इसलिए सिर्फ उस एक खबर का हम खंडन करना चाह रहे हैं, आप लोगों की कोई वो नहीं है, इस बात का खंडन करें। इससे पहले भी अपने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर
झुंझुनू के अंदर, राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन योजना के तहत जो पैसे आए हैं उनको आप लोगों ने प्रमुखता से छापा भी है। पहले भी नवलगढ़ विधानसभा के कई ग्राम पंचायत आ चुकी हैं जो अभी आपने छापी, उसके अलावा कईयों में काम चल रहा है, जैसे बड़वासी में काम चल रहा है, कारी में काम चल रहा है ना, तो वो पहले वाले फेज में आ चुकी हैं और उनमें काम भी चल रहा है। वो काम है जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, उसमें विधायक जी उनका उद्घाटन करते कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारा निवेदन आपसे इतना ही है कि जो योजना जिस प्रकार की योजना होती है उस योजना को आप उसी प्रकार अगर किसी